वेलकम टू एसएससी मैथमेटिक्स अड्डा फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं सीएचएसएल का, वो कंडक्ट हुआ था 2 फरवरी 2017 शिफ्ट 3 में। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है, जो कि मुझे दिखने में तो काफ़ी लल्लू लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कॉस 45 माइनस सेक 60 की वैल्यू अगर एक्स है तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलो देख लेते हैं फ्रेंड्स। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, बीच में चिन्ह माइनस का है, और जो हमारा sec 60 होता है, sec 60 की वैल्यू होती है 2। तो हम एलसीएम अगर ले तो क्या आ जाएगा, 1 − √2/√2, ऑप्शन नंबर तीसरा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। मुझे कुछ सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सर थोड़ा धीरे धीरे समझाया करो, हमारा थोड़ा दिमाग, मतलब हम थोड़ा सा, आप जितनी जल्दी समझा देते हो कई बार ऊपर से चला जाता आपने क्या क्या बोल दिया, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं आज थोड़ा धीरे धीरे बताता हूँ। वैसे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो ऐसे होते हैं कि अब धीरे धीरे, तो खैर मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊँ। इनफैक्ट एक सब्सक्राइबर ने तो मुझे एक चैनल का नाम और बताया था कि उनकी तरह बताओ, वो बहुत अच्छा बताते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं आपको क्वेश्चंस को बहुत धीरे धीरे समझाऊँ, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन वो कह रहा है, एक आदमी ने 400 किलोमीटर की यात्रा करी, मगर कुछ यात्रा रेल से करी, रेल से, और कुछ यात्रा स्टीमर से करी। रेल का मतलब होता है रेलगाड़ी और स्टीमर का मतलब होता है जहाज़। अब उसने अगला पॉइंट क्या दे रखा है कि उस व्यक्ति ने स्टीमर में रेल से 9 घंटे यात्रा करी, तो अगर उसने रेल से x घंटे यात्रा करी होगी तो स्टीमर में क्या हो जाएगा, x + 9, ठीक है। अब उसने स्टीमर की गति दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आर, और जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की दे रखी 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर पर आर। अब पूछा है हाउ मच डिस्टेंस इज कवर बाय स्टीमर, तो उसने स्टीमर से यानी कि जहाज़ से कितनी दूरी तय करी होगी। फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि रेलगाड़ी से अगर उसने 1 घंटे यात्रा करी हो, ठीक है, तो जहाज़ से कितनी यात्रा करी होगी, 10 घंटे, क्योंकि x का मान 1 है तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम देखें, अगर उसने 10 घंटे स्टीमर में यात्रा करी हो तो हर घंटे 30 चल रहा है, तो 10 घंटे में 300 हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा रेल से वो 1 घंटे ट्रैवल कर रहा है, तो रेल में वो ट्रैवल कर लेगा 70 किलोमीटर। अब देखो 300 और 70 कितना, 370, मगर अब हम यहाँ पे क्या, अभी डिस्टेंस तो उसने 400 किलोमीटर ट्रैवल करी है, हम अब रेल में 2 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम रेल में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 140 और यहाँ पे हो जाएगा 330, जो कि हमारा 400 से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आंसर, यानी कि वो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेल से इसने ट्रैवल करा होगा कुछ थोड़ा सा और ज़्यादा, या 20-25 मिनट ज़्यादा ट्रैवल करा होगा, तो यहाँ भी 20-25 मिनट ज़्यादा ट्रैवल किया होगा, यानी कि जो भी आंसर होगा ना वो 300 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑप्शन देख लो, 300 से थोड़ा सा ज़्यादा, ऑप्शन थोड़ा सा ज़्यादा, ऑप्शन नंबर पहला, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 330 कर देते तो वो यहाँ पे कितना चल जाता, 11 घंटे, यानी कि यहाँ पे चलता 2 घंटे, तो जिसके वजह से क्या हो जाता, जो हमारी डिस्टेंस होती वो 450 से ऊपर पहुँच जाती, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए अभी हमने 330 से कम की वैल्यू चूज़ करी है, क्योंकि यहाँ पे 371 भी है ना, तो कुछ लोगों को लग रहा होगा 371 क्यों नहीं चूज़ किया, क्योंकि अगर हम 371 चूज़ कर लेते उसका मतलब क्या हो जाता कि यहाँ पे जो टाइम है वो करीब 12-13 घंटे चल चुका होता, जो कि क्वेश्चन के लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता, जो उसने कंडीशन दे रखी है उसके साथ सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे यार, कभी कभी सिस्टम हैंग होता है ना, तो ज़्यादा पर तो नहीं आया। ओके, हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है, रहीम ने किसी मशीन को बेचा 48 लाख रुपए में कुछ नुकसान में, और ये बोल रखा है अगर वो 60 लाख में बेचता तो उसको पहले के मुकाबले 5 गुना फ़ायदा होता, पहले जितना नुकसान हुआ था ना उससे 5 गुना फ़ायदा होता। तो हमें पूछ रखा है क्रय मूल्य निकालिए, CP निकालना है, तो हम एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस लाइन के बीचों बीच में कहीं पे होगी CP, यानी कि क्रय मूल्य। जब उसने पहले केस में उसको बेचा था तो उसको हो रहा था नुकसान, नुकसान कब होता है, जब CP से पैसा कम हो, यानी कि 48 लाख जो है ना वो CP से कम है,
और बाद में जब उसने 60 लाख में बेचा तो उसको 5 गुना फ़ायदा हुआ था, और फ़ायदा कब होता है जब सीपी से ज़्यादा होता है। कहने का मतलब सीपी और 60 के बीच में 5x का अंतर है, और सीपी और 48 के बीच में एक्स का अंतर है। तो कितने एक्स का अंतर हो गया कुल 48 और 6 के बीच में, मतलब 60 के बीच में 12 का अंतर हो गया, 12 लाख, 12x का, 6x का, सॉरी 6x का अंतर हो गया। और रुपए का अंतर कितना है, रुपए का अंतर है हमारा 12 लाख का, यानी कि 6x का मान कितना दे रखा है 12 लाख, तो x का मान आ जाएगा 2 लाख। तो निकालना है सीपी। अब देखो सीपी और 48 के बीच में 1x का फर्क है, और x का मान कितना है 2 लाख, तो 48 और 2 कितने होते हैं 50, आंसर आ गया हमारा 50 लाख। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है 1 + cos A/2 बराबर एक्स, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन। फ्रेंड्स एक आपको फार्मूला अगर पता हो कि cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है फ्रेंड्स 2 cos² θ - 1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कुछ फर्जीवाड़ा तो नहीं कर दिया मैंने, नहीं किया, सही है। अब हम अगर इस -1 को यहाँ पे लिया तो ये क्या बन जाएगा, 1 + cos 2 θ बराबर 2 cos²θ। अब इस 2 को पटक के और यहाँ लिया हो तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, cos²θ। अगर हम ध्यान से देखें ना, तो इनके एंगल्स जो थे वो हाफ हो चुके हैं, पहले यहाँ पे 2θ था तो यहाँ पे अब थीटा हो चुका है। तो क्वेश्चन में बस यही पूछा गया है, पहले देखिए यहाँ पे जो है वो ए था और ऑप्शन में A/2 हो गया है, नहीं एंगल आधा हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। बस इस वाले फार्मूला को कंपेयर किया गया, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। हमें बस ये फार्मूला आना चाहिए, तब सबको ये पता होना चाहिए कि ये हाफ एंगल फार्मूला होता है, एंगल को हमने हाफ किया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में एंगल कॉस ए था, ऑप्शन में A/2 हो गया, यानी कि एंगल को हाफ किया है, तो हाफ एंगल फार्मूला था बस क्वेश्चन का बेस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए नंबर इतना इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9, देन द स्मॉलेस्ट नंबर प्लेस्ड इन द ब्लैंक। हम इस खाली स्थान की जगह कौन सी ऐसी कैसा अंक रख दें इन ऑप्शंस में से, जिसकी वजह से ये संख्या 9 से विभक्त हो जाए, 9 से डिविजिबल हो जाए। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो भी अंक रखे होते हैं ना उन सबको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कर लेते हैं एक बार, 7 3 10, 10 और 4 14, 14 3 17, 17 और 8 25, 25 और 5 30। ठीक है, तो अंक हो गया 30 + x, मतलब क्योंकि अपने को ये तो पता नहीं ये खाली स्थान में क्या है, तो मैंने x लिख दिया। और फ्रेंड्स 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, जो भी हमें संख्या दे रखी है उन संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभक्त है तो वो संख्या 9 से विभक्त होनी चाहिए। जैसे कि सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 81 अंक है, 81 नंबर है, तो अगर अपने को चेक करना हो कि क्या ऐसी 9 से डिविजिबल होता है या नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योग कर लेंगे, 8 और 1 9। अब देखो 9 आ गई, और 9 9 से भाग हो सकती है, कहने का मतलब क्या है कि ये अंक 9 से भाग होगा। तो अब हम इस एक्स के जगह से कौन सा अंक ले लें जिससे 9 से विभक्त हो जाए, तो देखो दिख रहा होगा 6, अगर हमने एक्स को 6 ले लेते तो हो जाएगा 36, और 9 चौक 36 होता है, यानी कि 9 से भाग हो रहा है, यानी कि आंसर आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 35% और 50% कम है। चलो पहले एक बार तीसरी संख्या मान लेते हैं, चलो तीसरी संख्या अगर 100 है तो पहली संख्या 35% कम है, कहने का मतलब पहली संख्या 65 है और दूसरी संख्या 50% कम है, यानी कि दूसरी संख्या 50 ही है, क्योंकि 100 का 50% 50 ही होता है। ठीक है, तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, दूसरी संख्या है 50, पहली संख्या है 65, तो दूसरी संख्या को पहली संख्या बनाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 50 65 से 15 कम है, यानी कि 15 बढ़ाना पड़ेगा, मगर बात कौन सी संख्या की हो रही है, दूसरी संख्या की हो रही है, तो 15/50 × 100, 2 से चला गया तो 15 × 2 = 30, आंसर आ गया 30%, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से है। ओके तो इजी है क्वेश्चन। कह रहा है ए बैंक ऑफर्स 15% कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, 15% ब्याज मिलता है आधे साल में। तो एक ग्राहक 2400 रुपये जमा करता है 1 जनवरी और 1 जुलाई को, तो साल के अंत में उसको पूरा इंटरेस्ट कितना मिलेगा? ठीक है, उसने पैसा निकाला नहीं है, सारे का सारा पैसा बैंक में ही है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज के ऊपर भी ब्याज, यानी कि इस पूरे क्रम में जितना उसको पहले अंश में ब्याज ब्याज मिलेगा ना, आखिरी वाले अंश में उसके ऊपर फिर से ब्याज में मिलेगा। देख लेते हैं कैसे। उसने रुपए कितने जमा कराए थे? 2400 रुपये 1 जनवरी को, और 2400 रुपये कब? 2400 रुपये उसने जमा कराए थे 1 जुलाई को। ओके, 6 महीने बाद जब वो दोबारा बैंक में गया होगा, क्योंकि इंटरेस्ट उसको 15% हाफ ईयरली मिल रहा है, यानी कि हर 6 महीने में ब्याज मिल रहा है, तो इस 2400 रुपये 15 रुपये ब्याज मिल जाएगा। तो 2400 का 15% कितना होता है? 360 रुपये, 240 और 120 360 होते हैं। तो इसकी वजह से इसको ब्याज कितना मिला 6 महीने बाद? 360 रुपये। ठीक है, अब और 6 महीने बाद जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो क्या हो रहा होगा? 1 साल के अंत में इस वाले रुपये इसकी वजह से भी इसको इंटरेस्ट मिलेगा 15%, इस वाले के लिए भी इंटरेस्ट मिलेगा 15%, और इस वाले ब्याज के ऊपर भी मिलेगा 15%, यानी कि 360, 360 और 36 और 18 कितने होते हैं? 54, यानी कि ये टोटल उसका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1080 और 54, 4 5 13, 1134 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सॉरी, अगला क्वेश्चन कह रहा है सेक ए प्लस 10 ए बराबर एक्स, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज। फ्रेंड्स, हम सेक को क्या लिख सकते हैं? हम सेक को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस, बीच में प्लस है, और टेन को लिख सकते हैं साइन बटे कॉस। कॉस एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बचा 1 प्लस साइन। और फ्रेंड्स, हम 1 प्लस साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं? कॉस अपॉन 1 माइनस साइन, और यही इसका आंसर हो जाएगा, कॉस अपॉन 1 माइनस साइन, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टू नंबर सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शन इज 16 एंड थर्ड प्रोपोर्शन इज 1024। फ्रेंड्स, हमें बता रखा है मेन प्रोपोर्शन, यानी कि बी स्क्वायर बराबर ए सी। मेन प्रोपोर्शन बी दे रखा है अपने को अंडर रूट ए सी, यानी कि बी का मान 16 दे रखा है, तो 16 का वर्ग कितना होता है? 256। तो जो भी आंसर होगा ना, उनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो 256 होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो दो हो सकते हैं, एक तो 64 चौक 216 और 32 अट्टे 216। तो अब हमें इन दोनों में से आंसर को ऑप्ट करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक बात बता देनी चाहिए कि इन प्रपोर्शन वाले क्वेश्चन में जो रिलेशन पहले और दूसरे संख्या में होता है, जैसे कि अगर ऑप्शन ये हमारा आंसर होता है 4 और 64 और तीसरा दे रखा है 1024, तो जो अनुपात इन दोनों के बीच में है ना, वही अनुपात इन दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 8 चौक 32, 4 गुना है, तो क्या 32024 का 4 गुना है क्या? नहीं, तो आंसर अपने आप ही आ गया, ऑप्शन नंबर 4। बाकी कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम बस ये पता होना चाहिए जितना जो अनुपात पहले दूसरे का होगा वही अनुपात दूसरे तीसरे का भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहें तो देख लें, 64 4 का 16 गुना है, और आप 16 को अगर आप 64 से मल्टीप्लाई करें तो 1024 ही आता है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु जिसकी त्रिज्या दे रखी है 3.5, ऊंचाई दे रखी है 12, पानी से भरा हुआ है, और फिर हमने उस पानी को एक बेलन आकार में खाली कर दिया जिसकी त्रिज्या 7 है, तो उसकी ऊंचाई निकालनी है। तो कुछ भी नहीं है, 1/3 पाई
आर स्क्वायर यानी कि 7/2 × 7/2 × 12। मैंने 3.5 को 7/2 लिख दिया, बस हमें क्या कर रहे हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को हम कंपेयर कर रहे हैं पाई आर स्क्वायर एच से, जो हमें दोनों के आयतन को तो कंपेयर करना है, एक तरफ है शंकु और एक तरफ क्या है बेलन। तो मैंने बराबर पुट कर दिया पाए, हमने दूसरे की त्रिज्या दे रखी है 7, तो 7 × 7 अपने को एच तो कैलकुलेट करना है, तो इस पाए से ये पाए शहीद हो गया, 3 × 6 × 12, तो इस पूरे से ये पूरा शहीद हो गया बेचारा, और इन दो से ये दो कट गए, तो यहाँ बचा एक, तो हाइट आ गया 1 सेंटीमीटर, कुछ करना ही नहीं था। ऑप्शन नंबर पहला मतलब चौथा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 व्हाट इज इट्स एरिया। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर, का क्षेत्रफल निकालना है। और फ्रेंड क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4 × भुजा का वर्ग। तो लिख देते हैं √3/4, भुजा के अंदर देखिए 8 और 2 64, तो 2 से कट गया, 8 × 2 = 16, √3 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स जो हमारा अगला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे बड़ा क्वेश्चन हो सकता है अगर हम इसको इसके ओरिजिनल मेथड से सॉल्व करें। और प्रीवियस पेपर था मेरा ही, मतलब SSC CHSL का ही, उसमें SSC ने सेम क्वेश्चन पूछा था और सारे के सारे ऑप्शन गलत दिए हुए थे। ठीक है, तो शायद मैंने गलती से वो मुझे क्वेश्चन मिल नहीं पाए थे, मेरे पास वो पेपर नहीं था, तो मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने बताया था सॉल्व करने के लिए, तो मैंने उसको सॉल्व किया, तो मुझे मैंने उसको बताया भी था कि ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो SSC ने दोबारा वही क्वेश्चन पूछ लिया, वो भी नए ऑप्शन के साथ। एक बार हम देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ए लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन परपेंडिकुलरली कट लाइन, अपने को एक लाइन दे रखी है, कोई एक लाइन है जिस का समीकरण क्या दे रखा है 3x − 2y = 6, ये वो लाइन है। और बता रखा है कि एक और लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, यानी 0 0 से पास हो रही है, और वो इस पे काट रही है 90 डिग्री पे एट पॉइंट M, यानी ये जो पॉइंट है वो M है, हमें M के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड, जब भी हमें क्वेश्चन इस प्रकार का दे दिया जाएगा, तो जो भी हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी होगी ना, इक्वेशन ऑफ लाइन में जो एक्स का कोफिशेंट होगा वो काम करता है ए की तरह, और जो हमारा वाई का कोफिशेंट होगा वो काम करेगा बी की तरह, और जो कांस्टेंट है वो काम करेगा सी की तरह। तो ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान दे रखा है अभी 3, बी का मान दे रखा है -2, और सी का मान दे रखा है -6, क्योंकि अगर ये इक्वल टू हटा के इधर लेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, तो ये माइनस का 6 हो गया। ठीक है, अब हमें ये कोऑर्डिनेट्स निकाले, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अब ये जो ये पॉइंट है जहाँ से लाइन पास हो रही है, हम इसको डिनोट करते हैं x1 y1 से, और जहाँ पे हमें पहुँचना है ये जो ये वर्क करेगा x और y की तरह। ठीक है, जो पॉइंट अपने को कैलकुलेट करना है वो है x और y, ओरिजिन x1 y1 है, ABC मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो इस x और y को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या जो फॉर्मूला यूज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है x − x1 a = −ax1 + y b y1 + c / a² + b²। ठीक है फ्रेंड्स, एक सेकंड, थोड़ा सा होपफुली आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। और सिमिलरली अगर हमें y मतलब दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना हो, हम उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला, अरे हट जा भाई, चलो ऊपर लिख देता हूँ, वो हो जाएगा y − y1 / b = सब कुछ यही आ जाएगा दूसरे वाला। ठीक है,
तो मैं आपको बता देता हूँ, हमें वाई वन और एक्स वन मालूम है, जीरो जीरो ए बी सी सब मालूम, यानी कि ये पार्ट जो हमारा ये टर्म्स हैं ये सारी जीरो हो जाएंगी, ये जीरो ये भी जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या लास्टली एक्स बटे ए। और एक्स क्या है हमारा जो अपने को कैलकुलेट करना है, एक्स हमें कैलकुलेट करना है, ए का मान कितना है 3 बराबर, बाहर माइनस का साइन है तो माइनस ए एक्स वन जीरो हो गया, क्योंकि एक्स वन वाई वन जीरो तो पूरा जीरो हो जाएगा। अब प्लस सी की जगह क्या लिखना पड़ेगा, माइनस छ बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा वैल्यू 8, मतलब 3 का वर्ग 3 का स्क्वायर 9 होता है, और माइनस 2 का वर्ग 4 तो 9 4 13, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स बराबर एक्स बटे 3 बराबर 6 बटे 13, तो एक्स इज इक्वल टू 6 थी 18 बटे 13। और सिमिलरली आप वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे प्लस में आ रहा है, दो में प्लस में। फ्रेंड्स एक काम करते हैं, जो आप वाई वाला पोर्शन है वो आप लोग ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको मेथड तो सेम बता दिया है, सेम ऐसे ही प्रोसेस फॉलो करना होगा। जो हमारा बी है ना वो माइनस में आएगा, क्योंकि बी अपने को माइनस में दे रखा है, ठीक है। तो इसमें ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी जो हम एक्स कैलकुलेट करते थे इसमें अंदर भी माइनस था बाहर भी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस में आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आएगा। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ए प्लस में है और बी माइनस में है, तो एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, तो एक प्लस में आ चुका है यानी कि वाई माइनस में आएगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं या नहीं। अगर आप में से कोई फ्रेंड्स ना कर पाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसका भी सोल्यूशन बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शुभम गोविंदा और रेशमा का एवरेज वेट 65 है, एस जी आर का एवरेज एवरेज वेट कितना हो गया 65, तो तीनों का हो कितना जाएगा 6 3 80 5 3 15, 195 हो गया तीनों का वजन कुल, ठीक है। और शुभा और गोविंदा का 63 है, शुभा प्लस गोविंदा का हो गया 126, तो माइनस कर दो आर का आ जाएगा कितना दे रखा है 30 60, 60 और 3 कितने होते हैं 63, 63 और 4 67, यानी आर का वेट हो गया 67। निकालना किसका है, गोविंदा का निकालना है। ओके अगला केस क्या दे रखा होगा, अच्छा गोविंदा और रेशमा का 70 है, तो 140 गोविंदा और रेशमा कहाँ चला गया भाई, यदि गोविंदा और रेशमा का औसत दूरी 70 है, कुछ फर्जीवाड़ा हो गया, एक बार लगता है मैंने कहीं पे प्लस में कुछ गलती कर दी। अच्छा ये 95 है यार, तभी तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 69 हो जाएगा, 69 रेशमा का वेट 69 है। अब जो हमारा गोविंदा रेशमा का कुल मिला के वजन 140 हो जाएगा, क्योंकि 70 × 2 = 140, जिसमें से रेशमा अकेली 69 की है, तो गोविंदा बचेगा 71 का, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साफ साफ लिखना भी हो जाता है, वरना सब 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 कुछ ठीक चल रहा है फिर भी हम गलती कर सकते हैं। अभी जो मेरा क्वेश्चन मैं बता रहा था आपको, उसमें मैंने लिखा था 5, मेरे को लग रहा था 3। चलो खैर कोई बात नहीं, आप लोग ऐसी पेटी मिस्टेक्स मत करना पेपर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द लेंथ ऑफ आर्क हूज सेंट्रल एंगल इज 45 एंड रेडियस 28 सेंटीमीटर। हमें एक खंड की लंबाई निकालनी है जो सेंटर पे एंगल बनाती है 45 डिग्री का, इसकी लंबाई निकालनी है, त्रिज्या दे रखी है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। हम कैसे कर सकते हैं, हमें मालूम है कि परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, मगर ये तब होता है जब हमारा एंगल सर्कल का 360 डिग्री होता है। मगर अभी एंगल है कितना, अभी एंगल है कितना 45, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 45/360 से, ठीक है हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कितना जाएगा 1/8, तो
यहाँ से आ गया 4, तो 22/7 इंटू 28, क्योंकि हमने को रेडियस 28 दे रखा है, बटे 4, तो 7 चौक 28, 28 28 सही दोगे तो लेंथ कितना आ गया 22, ऑप्शन नंबर चौथा 22 आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायगोनल। ओहो इतना तगड़ा क्वेश्चन। एक वर्ग दे रखा है जिसका क्षेत्रफल 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, भुजा का वर्ग, उसका मान 100 दे रखा है तो एक कितना हो जाएगा 10, और किसी भी स्क्वायर की जो विकर्ण होती है, अगर भुजा भुजा ए है तो विकर्ण कितनी होगी, अंडर रूट 2 ए, और हमने ए भी कैलकुलेट किया 10, तो अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 10√2, आंसर आ गया 10√2। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अगले क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वयस्क लोगों की किसी पार्टी की टिकट है 1500 रुपये और बच्चों की टिकट है 800 रुपये, यदि दो बड़े आदमियों के साथ एक बच्चा फ्री में चला जाए और यदि उनके ग्रुप में 25 बड़े आदमी हैं और 12 बच्चे हैं तो पार्टी में उनको छूट कितनी मिली होगी। ठीक है, तो 15 आदमी है, 15 आदमियों के तो पूरे पैसे लगेंगे, मतलब 25 आदमी, 25 आदमियों के तो पैसे पूरे लगेंगे, तो 25 आदमियों के हिसाब से पैसे कितने लगेंगे वह देख लेते हैं। 25 हासिल 2 5 2 12 25 5 5 2 7 3, यानी कि 37,500 तो इन बड़े बड़ों के लग जाएंगे। ठीक है, मगर अगर उनको छूट नहीं मिलती तो इन 12 बच्चों के भी पैसे लग जाते, और पैसे लगते कितने, 12 8 96 यानी कि 9600, तो 0 0 6 5 11 17 4, तो टोटल पैसे कितने लग गए, 47100। उन्होंने पैसे बचाए कौन से हैं, ये बच्चों वाले, क्योंकि बच्चे तो सारे फ्री में चले गए क्योंकि उनके पास 25 बड़े आदमी और दो आदमी के साथ एक बच्चा फ्री चला जाता है, तो उनके 9600 रुपये बच गए गुणा 100। इस 20 से ये 20 शहीद हो गए। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें ये जो हमारा, अगर हम इस वैल्यू को 470 को 480 मान लें तो ऊपर क्या बचेगा, 9600। अब देखो 48 दूनी 96 होते हैं, यानी कि अगर ये 480 होता तो ये पूरे 20 बार चला जाता, मगर ये 480 थोड़ी है, 471 है, यानी कि उससे 9 कम है, यानी कि जो भी आंसर होगा ना हमारा वो 20 से हल्का सा ज़्यादा हुआ, थोड़ा सा पॉइंटों में ज़्यादा हुआ, क्योंकि हमने 9 वैल्यू ज़्यादा मान ली है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20 से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 9 -3x -17x -1 = -1, व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके अपने को सॉल्व करना पड़ेगा तब जाके हम इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। देख लेते हैं क्या कह रहा है, 9 -3x -17x + 10 = -1। मैंने अंदर के साइन चेंज कर दिए, ठीक है ना फ्रेंड्स, कहीं आप लोग को लगे कि मैंने कुछ फर्जीवाड़ा कर दिया, तो अभी तक ठीक है। तो फ्रेंड ये देखिए x के टर्म को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या पहुँच क्या हो जाएगा, -20x = -20, तो माइनस से माइनस शहीद हो गया तो x बराबर 1 आ गया, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके अगला क्वेश्चन एलजेब्रा से है, हमें बता रहा है a - b = -7 और a² + b² = 85। फ्रेंड्स आपको फॉर्मूला पता ही होगा a - b² का, वो क्या होता है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a² + b² - 2ab। अपने को a² + b² क्या दे रखा है, 85, और ये हो जाएगा 49, तो 49 = 85 - 2ab, तो ये आ जाएगा इधर और -2b पहुंच जाएगा इधर, तो 2ab कितना हो जाएगा, 2ab = 36 और ab = 36/2 = 18, आंसर आ जाएगा 18, ऑप्शन नंबर पहला।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो हमारा प्रबोध है वो किसी काम के आधे काम को 30 दिन में कर सकता है। तो अगर आधे काम को 30 दिन में कर रहा है तो पूरे काम को 60 दिन में करेगा, ठीक है। 56 ने बचा हुआ काम 45 दिन में कर दिया, बचा हुआ काम था कितना, आधा। यानी कि अगर आधा काम 56 45 में कर रहा है तो पूरा काम 90 में करेगा। अब ये पूछा गया यदि वो दोनों साथ मिलकर काम करते तो कितने दिन लगते हैं। तो अब एलसीएम ले लो इन दोनों का, एलसीएम आ गया 180, यानी कि कुल काम है 180। अब अगर प्रबोध 180 काम को 60 दिन में करता है तो एक दिन में 3 काम करता होगा, और अगर सुबोध 90 दिन में करता है 180 काम को तो एक दिन में 2 काम करता होगा। अब ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो काम हो कितना रहा है एक दिन में, 5। कुल काम है कितना 180, तो 180 बटे 5 36, यानी कि कुल दिन लगेंगे 36, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके अगला क्वेश्चन कह रहा है दशम ऑफ ए नॉन जीरो नंबर एंड थ्राइस इट्स रेसिप्रोकल। कोई ऐसी गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम का 3 गुने का जो योग है ना वो 52/7 है, यानी कि x प्लस 3x/7 बराबर 52/7। अब फ्रेंड्स हमें फ्रैक्शन में 7 लाना है, तो देखो एक ही ऑप्शन है 7 वाला, वो ही आंसर हो जाएगा क्योंकि उसके अलावा क्वेश्चन में 7 आ ही नहीं सकता, तो बाकी सवाल करने की जरूरत है नहीं, आंसर अपने आप ही आ गया ऑप्शन नंबर तीसरा। क्योंकि व्युत्क्रम क्या होता है उसको हम बटे में लिख देते हैं, जैसे अगर कोई संख्या 1 है मतलब 2 है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/2। तो अगर संख्या 7 होगी तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/7, मगर अपने को उसका 3 गुना दे रखा है तो 70 70 49, 49 73 52 होते हैं 52/7, वैसे भी आज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके अगला क्वेश्चन इक्वलिटी से है। मैं सोच रहा था कि इक्वलिटी क्यों आई अभी तक, अपने को दो साइड में इक्वलिटी दे रखी है, एक तो ये वाली इक्वलिटी और एक ये वाली इक्वलिटी, अपने को दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा उसके बाद जाके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। देख लेते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो एक बार देख लेते हैं क्या से हम कर सकते हैं। 2x-6 छः माइनस का माइनस 4 × 8x इज लेस देन -1 -2x। अब नंबर्स की तरफ ले आते हैं और x के टर्म की तरफ ले आते हैं, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, -6x प्लस 2x इज लेस देन -1 + 6, तो यहाँ पे आ जाएगा -4x इज लेस देन 5। तो x यानी कि जो हमारा x होगा ना वो माइनस में आ रहा होगा, x जो है वो -5/4 से छोटा है तो माइनस में आएगा, तो माइनस में दो ऑप्शन दे रखे हैं तो ये दो बेचारे शहीद हो गए। अब जो दूसरी इक्वलिटी उसको हम देख लेते हैं, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ऑप्शन मतलब क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 − 1 − 2x इज ग्रेटर देन -5/3 − x/3, ठीक है फ्रेंड्स। हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम लेके इधर पटक दो, तो ये क्या हो जाएगा, -3 − 6x = −5 − x। अब एक्स की टर्म एक तरफ और नंबर की तरफ, तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 = 5x और x = 2/5 2/5 = x, तो हमारा आंसर बड़े वाला होना चाहिए, तो -2 तो छोटा है तो आंसर आ जाएगा -1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वो उसने दो तीन स्टूडेंट्स के नाम दे रखे हैं, उनकी हाइट और उनका वेट दे रखा है, हमें बताना है किसका वेट टू हाइट रेशियो सबसे लीस्ट होगा। तो फ्रेंड्स देख लो जिसका वेट सबसे कम होगा और उसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी वो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो वेट सबसे कम बेचारी आकृति का है और वो है भी सबसे लंबी, मतलब वेट के अकॉर्डिंग तो आंसर हमारा आकृति ही हो जाएगा,
क्योंकि अगर हम 51 को 1.76 से डिवाइड करेंगे तो सबसे कम वैल्यू उससे ही आ रही होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, आकृति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे जो कह रहा है वो कह रहा है कि व्हाट वाज द रेवेन्यू ऑफ कंपनी इफ इट्स एक्सपेंडिचर वाज 225 करोड़ इन द ईयर व्हेन प्रॉफिट वाज लीस्ट। यानी कि जिस साल प्रॉफिट सबसे कम हुआ था उस साल कंपनी ने 225 रुपये खर्च किए थे। तो प्रॉफिट सबसे कम है कब, 2011 में, यानी कि 2011 में उन्होंने 225 रुपये खर्च किए थे, तो पैसा कितना कमाया था, पैसा कमाया था 10%, तो 225 का 10% कितना होता है 22.5, तो टोटल पैसा कितना कमाया होगा, 225 प्लस 22.5 कितना हो गया 447.5, मतलब 247.5, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि प्रति घर में औसत बच्चे कितने हैं। तो देख लेते हैं, हमें जीरो घर, चार घर ऐसे हैं जिसमें कोई बच्चे नहीं है, मतलब जीरो बच्चे, 10 घर ऐसे हैं जिसमें एक बच्चा है यानी कि 10 बच्चे, 19 घर ऐसे हैं जिसमें दो बच्चे हैं मतलब 38 बच्चे, 3 घर ऐसे हैं जिसमें 3 बच्चे यानी कि 9 बच्चे, तो कुल बच्चे कितने हो गए, 38 और 10 48, 48 और 9 57। ठीक है, ये तो हो गए बच्चे। अब घर कितने हैं, 10 और 9 29, 29 और 3 32, 32 और 36। ठीक है, तो ये हो गया 57/36, हम इस 36 को 38 मान लेते हैं। तो देखो 19 दूनी 38 और 19 थी 57, यानी कि आ रहा है 1.5, मगर जो हमारा नीचे वैल्यू था वो 36 था, मतलब जो भी हमारा आंसर होगा वो 1.5 से हल्का सा ज़्यादा होगा, तो हल्का सा ज़्यादा देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर पहला आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन शेयर्स का है। अपने को दे रखा है कि किसी कंपनी ने 600,000 शेयर इशू करे, तो हम इसको 600, पहले 600,000 लिख लेते हैं, 600,000 इशू करे हैं शेयर अपने पांच पार्टनर्स में, पांच पार्टनर्स के नाम दे रखे हैं आनंद, बासु, चिन्मय, धीरज और एजाज। अब बता रखा है बासु ने 15,000 शेयर्स एजाज को बेच दिए। ओके, तो एजाज के पास कितने शेयर हो जाएंगे, हम इस 600,000 को 600 मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ठीक है, तो इस 15,000 से 15 बन जाएगा, तो अपने को मालूम है एजाज के पास है कितने शेयर, एजाज के पास शेयर है 45% मतलब कितना, 600 का 50%, 600 का 10% होता है 60 और 5% होता है 30, तो 40% हो जाएगा 6×24 270। अब ये 15 ले भी रहा है किससे, बासु से, तो 15 जोड़ दो तो हो जाएगा 285। ऑप्शन देख लेते हैं, 285 वाला कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, 285 दे रखा है, मतलब उसके आगे 3 0 जोड़ दो क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 3 0 काट दिए थे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, इंग्लिश स्टार्ट हो गई। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, इंजॉय, बाय, हैव अ नाइस टाइम।